नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर आप सभी का स्वागत। अपस्कर्टिंग दुनिया भर में शब्द पर चर्चा हो रही, ये शब्द आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों को इसका मतलब भी पता होगा, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे होंगे जो इस शब्द और इसके मतलब से अनजान होंगे। लेकिन बता दें, कहीं ना कहीं ये शब्द महिलाओं की प्राइवेसी, उनके कपड़ों और उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत इसी शब्द के मतलब के साथ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अपस्कर्टिंग का मतलब क्या होता है। अपस्कर्टिंग का सीधा सीधा मतलब है जब छोटे कपड़ों में महिलाओं की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें क्लिक की जाती हैं और बाद में उन तस्वीरों का इस्तेमाल किसी गलत वीडियो प्लेटफॉर्म पर किया जाता है या फिर ऐसा किसी रिवेंज के लिए बनाए गए कंटेंट के लिए किया जाता है, तो इसे अपस्कर्टिंग कहा जाता है। जापान में अब इसे दुष्कर्म की कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। जापान की लोकल लैंग्वेज यानी कि जापानी में इसे चिकान कहा जाता है। जापान टुडे के मुताबिक ऐसे अपराधों को अक्सर पब्लिक प्लेसेस, थिएटर्स और स्टेडियम में अंजाम दिया जाता है। अपस्कर्टिंग के सबसे ज्यादा मामले जापान की मेट्रो ट्रेन से सामने आए। यहाँ जल्दबाजी में महिलाएं लैक ऑफ अटेंशन की वजह से लोगों की गंदी मानसिकता का शिकार हो जाती है। बता दें, जापान ने वुमेन सेफ्टी के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो मजबूत कानून बन सकता है, जिससे कि ऐसे मामलों की संख्या कम हो सकती है। बता दें, अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो जापान में स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने पर दोषी पाए गए व्यक्ति को कम से कम 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही उस पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इस बिल को पब्लिक डिमांड पर संसद में पेश किया गया है। बता दें, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में अपस्कर्टिंग को पहले ही दुष्कर्म की कैटेगरी में डाला जा चुका है। इन देशों में इसके लिए सजा भी तय की जा चुकी है। इसके अलावा इसी साल इंग्लैंड और वेल्स में इस अपराध को दुष्कर्म और हैरेसमेंट जैसे अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया। पहले अपस्कर्टिंग को सार्वजनिक अश्लीलता और वॉयरिज्म की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन तब इसे साबित करने के लिए किसी विटनेस की जरूरत होती थी, लेकिन अब इस आरोप को साबित करने के लिए वीडियो को दायरे में रखा जा रहा है। अमेरिका में ऐसा ही एक कानून पास किया जा चुका है। ये कानून साल 2014 में पास किया गया था। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में भी अपस्कर्टिंग को लेकर कानून है। इसके अलावा सिंगापुर में भी अपस्कर्टिंग को लेकर कानून है, जिसके तहत अगर कोई तस्वीर लेते पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की सजा और बेंत से मारा जाता है। वहीं भारत में ऐसा कोई कानून अब तक मौजूद नहीं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।